देखिए आज हम अगला चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर पनोरमा का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ड्रॉट सूखा। लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। ये बंगाली थे और इनके अधिकतर जो लेखन कार्य है वो ग्रामीण जीवन और बंगाल में उनका ग्रामीणों का जो संघर्ष है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनके साथ में जो वो जो दुख झेलते थे उसके बारे में ये सब कुछ है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव का नाम था काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, छोटा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, इसका जमींदार भी छोटा था। येट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। फिर भी उसके जो किराएदार थे वो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। ही वॉज सो रूथलेस, क्योंकि वह है बहुत ज़्यादा निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। ये उसके सबसे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून, ये दोपहर की बात थी। तारक रत्न द प्रीस्ट, तारक रत्न जो कि पुजारी था, पंडित था, वॉच ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। वो अपने मालिक के घर से, मतलब उस जमींदार के घर से अपने घर को लौट रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, वो जमींदार का घर जहाँ पे उसने कुछ पूजा पाठ कराया था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, ये मई के महीने का अंत आ गया था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, परंतु आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखा जा सकता। द रेनलेस फर्मामेंट पॉड फायर, और जो वर्षा विहीन आकाश था पूरा, उसमें से आग निकल रही थी। द फील्ड इन द फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन, और सामने जो जमीन थी वो लगभग क्षितिज तक फैली हुई थी। इट ब्रोकन अप इंटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द ब्लेज बर्निंग ब्लेज, और वो उस चमकती हुई आग में कई छोटे छोटे टुकड़ों में, दसों हजारों टुकड़ों में बट गई थी वो जमीन जो कि सामने क्षितिज तक फैली हुई थी। एंड इट लुक्ड, और ये ऐसी दिखती थी एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज ए स्मोक। ऐसा प्रतीत होता था कि धरती माँ का खून, जीवनदायी खून यानी कि पानी, उन दरारों में होके धुएं की रूप में या वाष्प के रूप में लगातार बिना रुके उड़ के ऊपर जा रहा है। इफ वन गेज लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, यदि कोई इसे देखता, फ्लेम लाइक साइनस मूवमेंट, कुछ ज्वालाएं जो कि हिलती डुलती थी दिखाई देती थी। इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकननेस, और वो ऐसे प्रतीत होती थी जैसे कि किसी ने पी रखी हो, मतलब कोई नशा कर रखा हो। एट द एंड ऑफ द फील्ड, अब देखिए यहां तक तो कवि बताता है कि गर्मी का मौसम है और किस प्रकार से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बादलों का कोई भी नामो निशान नहीं है, और इस तपती हुई गर्मी में भी एक पंडित अपने जमींदार के घर और जमींदार के सबसे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ मंत्र पाठ पूजा वगैरह करवा के वापस आ रहा है। ठीक है, अब जब वो आता है रास्ते में तो उसी जगह पे, एट द एंड ऑफ द फील्ड, वहीं उस खेत के अंत पर, बिसाइड द रोड, सड़क के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर खड़ा हुआ था। द बीवर, वो एक जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रुइंस, अब वो मिट्टी की दीवारें खंडहर की स्थिति में थी, क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। द कोर्ट यार्ड टच्ड द पब्लिक हाईवे, जो आता था आंगन था वो लगभग आम रास्ते तक जा पहुंचा था, मतलब आम रास्ते और उसके आंगन के बीच में कोई भी दीवार नहीं थी। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और अंदर की जो उनकी निजता है वो
वहां से गुजरने वाले राहगीर की दया पर निर्भर रहती थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न। तारक रत्न ने कहा, गफूर, क्या घर में कोई है? स्टैंडिंग इन द साइड ऑफ ट्री बाय द रोड साइड, वो एक उसी रोड के पास एक पेड़ की छाया में खड़े होकर बोल रहा है, गफूर, क्या घर में कोई है? व्हाट डू यू वांट? फादर इज डाउन विद फीवर, तुम क्या चाहते हो? पिता को बुखार है, बुखार से पड़े हुए हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10, गफूर की छोटी लड़की ने जवाब दिया जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी। अपियरिंग एट द डोर, दरवाजे पर प्रकट होते हुए, फीवर, बुखार, कॉल द स्काउंडल, उस धूर्त को बुलाओ यहां। तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया। द नोइज ब्रॉट गफूर आउट, और वो जो आवाज थी उसके कारण गफूर बाहर आ गया, वो आवाज गफूर को बाहर खींच लाई। शिवरिंग विद फीवर, जो कि बुखार से कांप रहा था गफूर। ए बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया, एक बैल पुराने बबूल के पेड़ से बंधा हुआ था। द क्लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, और वो बबूल का पेड़ उस टूटी हुई दीवार पे, घर की दीवार पे झुका हुआ था। What do I see there? मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ? Demanded तारक रत्न। तारक रत्न ने पूछा, indicating the bull, उस बैल की ओर इशारा करते हुए, Do you realize that the landlord will not tolerate this? क्या तुम ये महसूस करते हो कि हमारा मालिक इस बात को सहन नहीं करेगा? His face was crimson with the indignation, उसका चेहरा गुस्से से थोड़ा सा लाल पीला हो गया, and the heat, और वो गर्मी, ऑफ द सन, और उस सूर्य की गर्मी से भी। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, और ऐसा पहले से तय था कि उसके जो शब्द हैं वो तीखे, गर्म और तीखे होंगे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, परंतु गफूर ने सिर्फ उसको देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट्स ऑफ हिज वर्ड्स, वह उसके शब्दों का मतलब निकालने में अक्षम था, समर्थ नहीं था। वेल सेड तारक रत्न, तारक रत्न का, अच्छा, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इसको सुबह भी यहीं बंधे हुए देखा था, एंड इट इज स्टिल देयर, और यह अब भी यही है। इफ द बुल डाइज, और यदि ये बैल मर गया, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो तुम्हारा मालिक तुम्हें जिंदे ही मार देगा। What shall I do, father? हे पिता, या हे पुजारी, मैं क्या करूं? I am helpless, मैं असहाय हूं। I had fever for the last few days, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है। I cannot take him out to graze, मैं उसे बाहर चराने के लिए नहीं ले जा सकता। I feel so ill, मैं इतना ज्यादा कमजोर महसूस करता हूं। Can you let him graze by himself? क्या तुम उसे स्वयं अपने आप चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते? Where shall I let him go? मैं उसे चरने के लिए कहां जाने दूं? फादर, पुजारी महोदय या पंडित जी, पीपल हैवंट थ्रेश्ड देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपने धान को नहीं निकाला है। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, ये अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है। द एक्स्ट्रा हैजंट बीन गैदर्ड, और वो जो भूसा है वो भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू शिंडर्स, सब कुछ जल गया है, राख हो गया है। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, घास का एक तिनका कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसे खुला कैसे छोड़ दूं? फादर, पंडित जी, ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इन टू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, ये अगर मैं इसे खुला छोड़ दूं तो ये जाके किसी का या तो धान खाएगा या फिर किसी के भूसे को खाएगा। तारक रत्न सॉफ्ट एंड ए लिटिल, तारक रत्न ने अपनी आवाज थोड़ी सी नर्म की।
बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, परंतु तुम उसे कहीं किसी छाया में तो बांध सकते हो। एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू टू मंच, और उसे चबाने के लिए थोड़ा बहुत एक बंडल या दो बंडल घास तो दे सकते हो। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी पुत्री ने चावल नहीं पकाए? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम उसे उबले हुए चावलों का पानी या माड़, एक टब माड़ क्यों नहीं दे देते? लेट हिम ड्रिंक इट, उसे चावलों का माड़ ही पी लेने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वह असहाय होकर तारक रत्न को देखता रहा। द डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक गहरी सांस उसे निकल गई। I see you haven't even got that much. मैं देखता हूँ कि शायद तुम्हारे पास ये भी नहीं है। What have you done with your share of straw? तुमने अपने हिस्से के भूसे के साथ में क्या किया? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. मुझे लगता है कि तुमने अपने हिस्से का जो भूसा है उसको बेच दिया और पैसे से तुमने अपने पेट की पूर्ति कर ली। Not saved even one bundle for the bull, और तुमने उस बैल के लिए एक बंडल भूसा भी नहीं बचाया। How callous you are, तुम कितने निर्दयी हो, कठोर हो। At this cruel accusation, इस कठोर प्रहार पर, इस तीक्ष्ण प्रहार पर, गफूर seemed to lose the power of speech, गफूर को ऐसा लगा कि वो अपना बोलने की ताकत को खो देगा, होता हुआ प्रतीत हुआ। This year I was to have received my share of straw, इस साल मुझे अपना भूसे का जो हिस्सा है वो प्राप्त होना था। Said Gafoor slowly, गफूर ने धीरे से कहा। After a moment of hesitation, थोड़े से एक क्षण उसने हिचकिचाया और हिचकिचाने के बाद में कहा, बट द मास्टर कैप्ट इट, परंतु मालिक ने इसे रख लिया। ऑन ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले साल के किराए के बदले में, क्योंकि मैंने पिछले साल का किराया नहीं दिया, तो मालिक ने मेरा इस साल जो मुझे भूसा मिलने वाला था वो पूरा रख लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड, श्रीमान जी आप हमारे भगवान हो, एंड मास्टर और आप हमारे मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हीज फीट, मैंने उसके पैरों में गिर कर दया की भीख मांगी। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, मैं कहाँ जाऊँगा यदि मैं तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा? लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, मुझे थोड़ा सा भूसा तो दे दो। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरी छत में, मतलब मेरी झोंपड़ी की छत में भी कोई भी भूसा नहीं बचा है। एंड वी हैव ओनली वन हार्ट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और हमारे पास केवल एक झोंपड़ी है जिसमें हम दो जने, पिता और पुत्री, रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स, हम अपनी छत को पाम की पत्तियों से या ताड़ की पत्तियों से ढक लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी सी वेदर, और इस बार जो बरसात होगी उस बरसाती सीजन को किसी प्रकार से सह लेंगे, somehow, किसी भी प्रकार से। बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, परंतु बगैर भोजन के हमारे महेश का क्या होगा? महेश बैल का नाम है। इंडीड, वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड एनफ ऑफ महेश, तुम महेश के काफी शौकीन हो, मतलब महेश से तुम्हें काफी प्रेम है। दिस इज ए जोक, एक मजाक है। बट दिस सार्कास्म डिड नॉट रीच गफूर, परंतु ये जो तीक्ष्ण टिप्पणी की थी ये गफूर तक नहीं पहुंच सकी। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, परंतु मालिक ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, वह कहता चला गया। कौन कह रहा है? गफूर कह रहा है। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली टू मंथ्स, उसने मुझे केवल इतना सा दान दिया कि दो महीने चले बस।
माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, और मेरे हिस्से का जो भूसा था, घास थी, वो उसके स्वयं के हिस्से में जोड़ ली गई। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, महेश को इसका एक हिस्सा भी, एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे पास उसका उधार नहीं है, सेठ तारक रत्न ने पूछा अनमोड बिना हिले हुए। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, क्या तुम्हें उसे भुगतान नहीं करना चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मालिक तुम्हारी सहायता करे। बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, परंतु मैं उसे भुगतान कैसे करूं। वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, हम उसके लिए 4 बीघा भूमि में उत्पादन करते हैं, जोतते हैं। बट द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स, परंतु धान खेतों में ही सूख गया। ड्यूरिंग द ड्रॉट, सूखे के दौरान, इन द लास्ट 2 ईयर्स, इन दो वर्षों में जो सूखा पड़ा था उसमें धान खेतों में ही सूख गया। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन एनफ टू ईट, मेरी और मेरी पुत्री के पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लुक एट द हट, इस झोंपड़ी को देखो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर अडल्ट इन वन कॉर्नर, मैं और मेरी पुत्री एक कोने में छुपकर रात को गुजारते हैं जब बारिश होती है। वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, हम अपने पैरों को भी नहीं फैला सकते। लुक एट महेश, महेश को देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम उसकी पसलियां गिन सकते हो। डू लेंड मी ए बिट ऑफ हे फॉर हिम, इसकी खातिर मुझे थोड़ी सी घास दे दो। सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और टू, ताकि उसे एक या दो दिन खाने के लिए कुछ मिल जाए। एंड गफूर सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारक रत्न फीट, और गफूर तारक रत्न के पैरों में जमीन पे लेट गया सीधा। नो नो, नहीं नहीं, मूव असाइड, परे हटो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। तारक रत्न मेड ए मोमेंट एज दो डिपार्ट, तारक रत्न वहां से जाने के लिए मुड़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, हे अच्छे भगवान, ही सीम्स टू ब्रांडिस हिज ऑर्न्स एट मी, ये बैल मेरे ऊपर अपने चमकीले सींगों को लहरा रहा है। विल ही हर्ट, क्या ये मुझे चोट पहुंचाएगा। ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, वह डर और गुस्से में चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम बुल, वह बैल के पास से जल्दी से पीछे हटते हुए। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, गफूर उसके पैरों में गिर पड़ा, उसके पैर पकड़ लिए। ही वॉन्ट्स टू हैंडफुल ईट ए हैंडफुल, वह एक मुट्ठी खाना चाहता है। हियर, उसने कहा, गफूर ने कहा कि बैल एक मुट्ठी खाना चाहता है। इंडिकेटिंग द वाइट बंडल ऑफ राइस, गफूर ने उस गीले चावल के पोटली की ओर इशारा करते हुए कहा। इन फ्रूट, और उन फलों की ओर, तारक रत्न सैंड जो कि तारक रत्न के हाथों में थी, वो कहाँ से मिली थी उसे चावल और फल, उस मालिक के यहाँ से, उस जमींदार के यहाँ से। वॉन्ट्स टू ईट, इन खाना चाहता है, इंडीड, वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा इसका मालिक है वैसा ही जानवर है। द गफूर और महेश दोनों एक जैसे। हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट, इसके पास खाने के लिए एक बंडल घास भी नहीं है, थोड़ी सी घास भी नहीं है। एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और ये चावल और फल खाना चाहता है। टेक हिम अवे, इसे दूर ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसे कहीं दूसरी जगह बांधो। व्हाट हॉर्न्स, कितने नुकीले सींग हैं। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन डे, वन ऑफ दीस डेज, एक दिन वह किसी न किसी को इन सींगों से जरूर मार देगा। एजिंग अवे, किनारे हटते हुए, द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और वो पुजारी वहां से, पंडित वहां से फटाफट से निकल गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे
दूर देखते हुए कपूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। कपूर ने शांति से महेश को देखा। उस टू डीप ब्राउन आईज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी दो गहरी भूरी आंखें दर्द और भूख से भरी हुई थी। मतलब उसकी दो गहरी भूरी आंखों में दर्द और भूख थी, झलक रही थी। डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, उसने तुम्हें एक मुट्ठी भी नहीं दिया, ही मटर्ड, वह बुदबुदाया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, वो अब उस बैल की गर्दन और उसकी पीठ को सहला रहा था। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो, ही विस्पर्ड टू हिम, वह उसे फुसफुसाया। यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम अब बूढ़े हो गए हो। सर्व अस फॉर 8 years, और तुमने हमारी 8 वर्ष तक सेवा की है। आई कैन नॉट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैं तुम्हें अब खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं दे सकता। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, परंतु तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे लंबी की, एंड क्लोज हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली विद प्लेजर, आनंद में या प्रेम में। टेल मी, मुझे बताओ, वेंट ऑन कपूर, कपूर कहता गया, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, मैं इस भयानक सूखी वर्ष में तुम्हें कैसे जिंदे रखूं। इफ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ूंगा, यू विल स्टार्ट हिटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम दूसरे लोगों का धान खाना शुरू कर दोगे, एंड मंचिंग देयर बनाना लीव्स, और उन लोगों के चावल की केले की पत्तियों को तुम खाना शुरू कर दोगे। वॉट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं बची है। नो बडी वॉन्ट्स यू, कोई भी तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, वे पड़ोसी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पशु हाट में या पशु मेले में बेच दूं। एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और इस विचार पर उसकी आंखें पुनः आंसुओं से भर गईं। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, लुक्ड दिस वे, और इस तरफ देखते हुए, एंड दैट, और फिर उस तरफ देखते हुए, ही फेस्ट ए टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम द बिहाइंड द हार्ट, उसने अपनी ही झोंपड़ी की छत में से, मतलब जो झोंपड़ी के जो छान होती है उसमें से पुरानी सूखी घास निकाल ली। Eat it quickly, my child, otherwise, बेटे मेरे बच्चे इसको जल्दी से खा जाओ अन्यथा, he said, उसने कहा, softly placing it before महेश, इसे महेश के सामने रखते हुए। फादर, पिताजी, अब ये फादर किसने कहा, गफूर की लड़की ने, अमीना, what is this, क्या है, अभी क्या है, कौन कह रहा है, गफूर, come and eat, आओ खा लो, आस्ट answered Gafoor's daughter, Gafoor की पुत्री ने जवाब दिया, looking out of the door, दरवाजे से बाहर देखते हुए, why have you again given Mahesh straw from the roof, क्यों, क्या तुमने इस बार दोबारा से छत में से घास निकाल के महेश को दे दी। He had feared as much, उसे काफी डर लगता था, डर लगा, it's old straw, ये सूखी घास थी, पुरानी घास थी, was rotting away, ये सड़ रही थी, he answered, उसने कहा, ashamed, शर्मिंदा होते हुए, I heard you pulling it, father, पिताजी, मैंने तुम्हें इसे खींचते हुए सुना था, no darling, it wasn't exactly, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं था, but you know, father, पर पिताजी तुम जानते हो, the wall will crumble, दीवार ढह जाएगी। कपूर वाज साइलेंट, कपूर चुप था, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास अब इस झोंपड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। हू न्यू बेटर देन ही, उससे बेहतर कौन जानता था, दैट अनलेस ही वाज केयरफुल, कि जब तक वह सावधानी नहीं बरते, इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, ये झोंपड़ी एक और बारिश को नहीं झेल पाएगी। एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली, और अब भी ये कौन से ज्यादा भले काम आ रही है। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, एंड कम एंड ईट, आओ खाना खा लो,
हैव सर्व यू फूड, मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोस दिया है, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, मुझे चावल का पानी दे दो, मैं ये चावल का पानी उस महेश को खिला दूंगा। देयर इज नन, नहीं है पानी फादर, पिताजी पानी नहीं है, इट इज ड्राइड अप इन द पॉट, पानी इतना ही था, इतना ही डाला था चावलों में और वो बर्तन में ही सूख गया पकाते समय। नियरली ए वीक हैड पास्ड, उन बातों को लगभग एक सप्ताह व्यतीत हो गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्जियस, वो अपने शरीर से बीमार था, बेचैन था। महेश हैड नॉट रिटर्न्ड सिंस द डे बिफोर, महेश पिछले दिन से लौटा नहीं है, मतलब महेश अपना खूंटा तोड़ के चला गया कहीं खाने के लिए। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वो स्वयं भी असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना उस बुल को, उस बैल को प्रत्येक स्थान पर तलाश रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, उस सुबह से ही, सुबह जल्दी सुबह से ही उस बैल को प्रत्येक स्थान पर तलाश रही थी। इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम की परछाइयां गिरने लगी थी। व्हेन शी केम होम, जब वह घर वापस आई। हैव यू हर्ड फादर, पिताजी क्या तुमने सुना है। मनी घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन, मनी घोष कौन है, जमींदार। मनी घोष ने महेश को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है, सी शैडोज ने कहा। नॉनसेंस, ये गलत बात है, बेकार बात है। यस फादर इट इज ट्रू, हाँ पिताजी ये सही है। सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे बताया। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट द दरिया कोर, उसने कहा कि तुम अपने पिता से कहना कि वो अपने बैल को दरियापुर के मेले में तलाश करे, पशु हाट में। व्हाट डिड ही डू, महेश ने किया क्या था। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी वह उनके बगीचे में प्रवेश कर गया। एट द एंड ऑफ थ्री डेज, तीन दिनों के बाद दे से, उन्होंने कहा कि तीन दिनों के बाद द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, पुलिस उसे पशु हाट में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट, अमीना नहीं जानती थी कि पशु हाट का मतलब क्या होता है। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेटलेस वेन एवर इट वॉज मैंसर्ड इन कनेक्शन विद महेश, उसने ये नोटिस किया था, देखा था कि जब कभी भी इस पशु हाट का जिक्र होता महेश के साथ में तो उसके पिता बेचैन हो जाते। बट टूडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, परंतु आज वह बगैर एक शब्द कहे चले गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार में, गफूर सीक्रेटली केम राउंड टू बंसी शॉप, गफूर चुपचाप से बंसी की दुकान पर गया। अंकल यू हैव टू लैंड मी ए रुपी, चाचा तुम्हें मुझे एक रुपये उधार देना होगा, सेड ही, उसने कहा। पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, और उसने एक तांबे की थाली, पीतल की थाली उसकी सीट के नीचे सरका दी। बंसी वॉज वेल अक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी इस बात से पहले से परिचित था। इन द लास्ट टू ईयर्स ही हैड लेंट ए रुपी और एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, पिछले 2 वर्षों में बंसी ने इस जमानत पर उसे 1 रुपये 5 बार उधार दिया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे इधर, उसने आज भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, थाली रख ली और 1 रुपये उधार दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगले दिन महेश अपने उसी स्थान पर दिखा, मतलब गफूर 1 रुपये उधार लेके वो गया, पुलिस के पास गया, पुलिस को 1 रुपये की रिश्वत दी और महेश को छुड़ा के रात ही रात में वो घर वापस आ गया। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज, एक बूढ़ा आदमी तीक्ष्ण नजरों से उस महेश को चेक कर रहा था। नॉट फार अवे, ज्यादा दूर नहीं, ऑन वन साइड, एक तरफ गफूर सैट ऑन द ग्राउंड, गफूर जमीन पर बैठा हुआ था, ऑल हंस्ड अप, सिकड़े हुए टुकड़ू मार गए। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, अब परीक्षण समाप्त हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल,
और उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सॉल के किनारे से 10 रुपए का नोट निकाला एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और इसे पुनः बार बार चेक करते हुए सैड कहा, हियर टेक दिस, ये लो 10 रुपए, आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इसे ज़्यादा नहीं दूंगा, आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा कीमत अदा कर रहा हूँ। स्ट्रेच हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो 10 रुपए ले लिए बट रिमेन्ड साइलेंट, परंतु शांत रहा। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक, और जैसे ही वो दो व्यक्ति जो कि बूढ़े व्यक्ति के साथ आए थे उन्होंने जानवर के गले से रस्सी को पकड़ा, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, वो अचानक खड़ा हो गया। डोंट टच दैट रोप, इस रस्सी को मत छूना, आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ही क्राइड हॉर्सली, वह क्रोध पूर्वक गर्जा। देयर दे वर टेकन अबैक, वे पीछे हट गए, वाई, क्यों, आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। देयर इज नो वाई टू इट, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं, ही इज माई प्रॉपर्टी, वह मेरी संपत्ति है, आई सेल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा, इट्स माई प्लीजर, ये मेरी मर्जी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी लहजे में जवाब दिया, एंड थ्रू द नोट अवे, और उस नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, परंतु तुमने तो कल वो जो साई वगैरह देते हैं वो स्वीकार की थी। ऑल थ्री साइड इन ए कोरस, तीनों ने एक स्वर में कहा, टेक दिस बैक, ये लो, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, फ्लिंगिंग द 2 रुपीज अक्रॉस टू देम, और 2 रुपए उनकी ओर उछाल दिए। गफूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फैड माइस, गफूर पड़ोसियों से महेश के लिए चावल का पानी लेके आया भीख मांग के, और महेश को पिलाया। पैटिंग हिम ऑन हेड एंड हॉर्न्स, उसे सिर पर और सींगों पर सहलाया। ही विस्पर्ड वीक साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, उसने उसके कान में अपनेपन की कुछ आवाजें फुसफुसाई। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, अभी जून के मध्य था। Nobody who has not looked at an Indian summer sky will realize how horrible, how unrelenting the heat can be. कोई एक व्यक्ति जिसने भारतीय गर्मी के आकाश को नहीं देखा वो महसूस कर सकता है कि ये कितना भयानक, कितना पीड़ा देने वाले गर्मी हो सकती है। Not a trace of mercy anywhere, कहीं भी दया का कोई स्थान नहीं था। Today even the thought that someday this aspect of स्काई वो चेंज, और आज भी ये विचार कि एक दिन ये बादल ये आसमान बदलेगा, इट दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लदेन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, और कि ये आकाश नमी वाले बादलों से आच्छादित हो जाएगा, ये विचार अभी भी असंभव था। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, ऐसा प्रतीत होता था कि ये तेज चमकता हुआ सूरज लगातार इसी तरीके से एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार चमकता रहेगा, टू द एंड ऑफ टाइम, उस समय के अंत तक, मतलब गर्मी गर्मी पड़ती रहेगी, कोई बारिश नहीं होगी। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर में घर वापस आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर, वह किराए के मजदूर के रूप में काम करने का आदि नहीं था। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन अप डाउन, और केवल 4-5 दिन ही हुए थे कि उसका बुखार थोड़ा कम पड़ा था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर जो था वो अभी भी कमजोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वह काम की खोज में गया था, बट इन वेन, परंतु व्यर्थ रहा। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई सफलता नहीं मिली। हंग्री थर्स्टी टायर्ड, भूखा प्यासा थका हुआ। एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा था। इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है? अमीना डियर, अमीना प्रिय, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वो जो आंगन था उसी में से
चिल्ला के बोलने लगा। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, बगैर उत्तर दिए उसकी पुत्री चुपचाप से बाहर आई। स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो आके चुपचाप उस दीवार के पास में खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर ने बगैर किसी उत्तर का जवाब इंतजार किए दोबारा से वही प्रश्न पूछ लिया। व्हाट डू यू से, नो, तुम क्या कहती हो? नहीं, भोजन तैयार नहीं है। क्यों? नो राइस, चावल नहीं है। व्हाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह में क्यों नहीं बताया? व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों मैंने तुम्हें पिछली रात बताया तो था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने बताया था लास्ट पिछली रात को, मिमिक्ड कपूर, कपूर ने उसी बात को दोहराया। हाउ एम आई टू रिमेम्बर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे कैसे याद रहेगा कि तुमने मुझे पिछली रात में क्या बताया। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसका गुस्सा अपनी ही आवाज पे एक के बाद एक ज्यादा उग्र होता चला जा रहा था। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, निसंदेह कोई चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, घुराया। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, और उसका चेहरा अब ज्यादा टूटा हुआ लगने लगा। व्हाट डस इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा पिता खाना खाए या नहीं। पड़ता यंग लेडी मस्ट हैव हर थ्री मील्स, परंतु ये छोटी बच्ची तो तीन टाइम खाना खाती है। इन द फ्यूचर आई सेल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, अगली बार जब कभी भविष्य में बाहर जाऊंगा तो मैं चावलों पे ताला लगा के जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर ईदर, क्या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है? मतलब ना तो भोजन पकाया था ना पानी था। अब देखो पानी की भी दूसरी कहानी निकलेगी यहाँ पे। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर, अमीना अभी भी पहले की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नो नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ये महसूस करते हुए कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, गफूर ने अपना पूरा आपा खो दिया। रसिंग एट हर, उसकी ओर चपटते हुए ही स्लैप्ड हर फेस नोइशली, उसने उसके चेहरे पर जोरदार छांटा मार दिया। रेस्ट गर्ल, धूर्त लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन करती क्या हो? सो मेनी पीपल डाई, बहुत सारे लोग मरते हैं। व्हाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती? द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, उस लड़की ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर, उसने मिट्टी का घड़ा उठाया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और दोपहर सूर्य चमक रहा था उस दोपहर में निकल पड़ी। क्विकली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अब चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछती हुई। द मोमेंट शी वाज आउट ऑफ साइट, जैसे ही वो लड़की उसकी दृष्टि से ओझल हुई, हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, उसका हृदय, उसके पिता का हृदय पश्चाताप से भर गया। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, उसे केवल उसे पता था कि उसने इस बिना माँ की बच्चे को कैसे बड़ा किया। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, वो जानता था कि इस प्यारी और कर्तव्य परायण बेचारी बच्ची की को ब्लेम नहीं किया जाना था, इस पे आरोप नहीं लगाए जाने थे। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट इवन वाइल लिटिल स्कोर स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनका जो छोटा सा चावल का भंडार था और उनके पास कभी भी पर्याप्त खाने के लिए बिल्कुल नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट थ्री टाइम्स ए डे, और उसमें तीन समय खाने के तो असंभव था। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एबसेंस ऑफ वाटर, और वो पानी की जो अनुपस्थिति थी उससे भी वो अनजान नहीं था। टू ऑफ थ्री टैंक्स इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, गांव की जो तीन तालाब थे उनमें से दो सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो शिबू बाबू के उस निजी तालाब में बचा था। वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, और वो आम जनता के लिए नहीं था। इफ यू होल्ड्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ अदर टैंक्स,
और जो दूसरे दो जिन सूख गए तालाब थे उनके तले में कुछ गड्ढे खोद लिए गए थे। पर देयर वॉज सच क्राउडिंग जॉस्टलिंग फॉर ए लिटिल वाटर, और वहां पर थोड़े से पानी के लिए इतनी ज्यादा धक्का मुक्की भीड़ होती थी दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, ये छोटी लड़की वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। सी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड, वो घंटों तक एक किनारे पे खड़ी रहती आफ्टर मच बैगिंग, और काफी ज्यादा भीख मांगने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि कोई व्यक्ति उस पर दया दिखाता, सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, वह थोड़े से पानी लेके आ जाती। ही न्यू ऑल दिस, वो ये सब कुछ जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टूडे, संभवतः आज कोई पानी नहीं था, और नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, और संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के पास उस छोटी लड़की पर दया दिखाने के लिए कोई समय नहीं था। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, कुछ इसी प्रकार का घटित हुआ होगा, ही थॉट, उसने सोचा। एंड हिज ओन आईज टू फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी स्वयं की आंखें भी आंसुओं से भर आई। गफूर आर यू इन, गफूर क्या तुम अंदर हो, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, कोई आंगन में चिल्लाया था। लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, हमारे जो मका मालिक हैं उनका दूत आ गया। ये और प्रॉब्लम आ गई थी, 13% बैटरी है, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। यस आई एम इन, हाँ मैं अंदर हूँ, वाई, क्यों, आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने तेजी से जवाब दिया। मास्टर सेंट फॉर यू, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, कम आओ। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा, सेड कपूर, कपूर ने कहा। सच इम्पोर्टेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, और ये दृष्टता उस दूत को सहन नहीं हुई, संदेश वाहक को सहन नहीं हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, ये मालिक का आदेश है कि मैं तुम्हें घसीट के उसके पास ले जाऊं। गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हें तुम्हारी काफी अच्छी पिटाई करूं, ही रोड, वो गुर्राया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और उस व्यक्ति को बद्दे नामों से पुकार कर गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर दूसरी बार अपना नियंत्रण खो बैठा। वी आर नोबडी स्लेव्स, हम किसी के दास नहीं है, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कंप्लेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स, और फिर उसी प्रकार के कुछ गालियां बकते हुए, वी पे रेंट्स टू लिव हियर, हम यहाँ रहने के लिए किराए का भुगतान करते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू द अथॉरिटी, परंतु इस संसार में एक छोटे व्यक्ति के लिए अपने अधिकारियों के पास अपील करना ये मुश्किल है। इट इज डेंजरस एज वेल, और ये काफी खतरनाक भी है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइसेस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, भाई से कभी छोटी आवाजें कभी कभी बड़े कानों तक पहुंच जाती हैं, और हु नोस व्हाट माइट हैपन, और कौन जानता है कि क्या होगा। व्हेन गफूर रिटर्न्ड होम फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, और जब गफूर मालिक के घर से वापस लौट के आया, quietly lay down, वो चुपचाप से लेट गया। His face and eyes were swollen, उसकी चेहरा और आंखें सूजे हुए थे। The chief cause of much suffering was Mahesh, इस सब का मुख्य कारण महेश था। When Kapoor left that morning, जब कपूर उस सुबह निकला, महेश broke loose from his tether, महेश अपने खूंटे से भाग गया, and entering the grounds of the landlord, और अपने मालिक के घर में पहुंचकर हैड ईटन अ फ्लावर्स, उसने फूलों को खा लिया। अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और धूप में सूख रहे उस मक्के को इधर उधर बिखेर दिया। एंड फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, जब उसके लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, उसने मालिक की सबसे छोटी वाली बेटी को चोट पहुंचाई, एंड हैड एस्केप्ड, वो वहां से बच के भाग गया। दिस वॉज नॉट फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ये पहली बार नहीं था जो कुछ ऐसा हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर, परंतु गफूर को माफ कर दिया जाता क्योंकि वह गरीब था। इफ ही हैड कम अराउंड एंड एज ऑन अनदर ओकेजन बैग फॉर लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, यदि वो पहले किसी और तरह से, मतलब जैसे पहले आता था उसी तरीके से आता और मालिक से दया की भीख मांगता, ही वुड probably have been forgiven, तो उसे माफ कर दिया जाता। But instead he had
क्लेम्ड दैट ही हैड ही पेड रेंट, परंतु इस बार तो उसने ये दावा किया कि मैं किराए का भुगतान किया है, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव्स, और उसने ये भी कहा वे किसी का दास नहीं है, गुलाम नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिवू बाबू द जमींदार टू स्वालो, और ये बात पचाने के लिए शिवू बाबू जो जमींदार था उसके लिए काफी ज्यादा थी। कफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स, कफूर ने इस पिटाई को सहा, टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और बगैर किसी विरोध के उसने वो अत्याचार सहा। एट होम, घर पर, टुई ले इन ए कॉर्नर, वही एक कमरे में एक कोने में लेटा हुआ था, विदाउट एक वर्ड, बगैर एक शब्द के, हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास वह भूल चुका था, बट दिस हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, परंतु उसके अंदर का हृदय बाहर के सूर्य की तरह जल रहा था। ही हैड कैप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, उसे पता नहीं चला कि किस तरह समय व्यतीत हो गया। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिशनेस बाय द स्ट्रीक ऑफ ए गर्ल, वह अचानक से हड़बड़ा के खड़ा हो गया एक लड़की के गिरने की आवाज से। सी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पे सीधी पड़ी हुई थी, मतलब गिर गई थी। पिक्चर वॉज विच सी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और जिस घड़े को मटके को वो लेके आई थी वो लुढ़क गया था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द हार्थ, और महेश जो कि घड़े में से पानी निकल के बह रहा था उसको जमीन पे चाट रहा था। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, अब गफूर अपने पूरा नियंत्रण खो बैठा था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बगैर किसी दूसरे क्षण का इंतजार किए हुए, ही सीज्ड हिज प्लो हैड, उसने अपना हल उठाया, एंड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जिसको उसने कल मतलब पिछले रोज रिपेयर के लिए मरम्मत के लिए छोड़ा था। एंड विद बोथ हैंड्स स्टक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और अपने दोनों हाथों से वो हल उठा के उस महेश के झुके हुए सिर पे दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, केवल एक बार महेश ने सिर अपना उठाया, बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्ट्रगलिंग टू द ग्राउंड, और फिर तुरंत ही उसकी भूखा पतला शरीर जमीन पे फैल गया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, खून की एक दो बूंदें उसके कानों में से निकल गई। हिज होल बॉडी सूक वंस और ट्वाइस, उसका शरीर एक दो बार हिला, देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच, और फिर अगली और पिछली टांगें जितना ज्यादा हो सकती थी फैल गई। महेश फेल डेड, महेश मर गया। व्हाट हैव यू डन फादर, और महेश इज डेड, पिताजी तुमने क्या किया, हमारा महेश तो मर गया। अमीना बस्ट आउट वीपिंग, अमीना जोर से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर बिल्कुल भी हिला नहीं ना ही उसने उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज, वो उन काली मोशनलेस बिना हिलने डुलने वाली आंखों की जोड़ी को देखता रहा। बिफोर टू आवर्स वर आउट, दो घंटे व्यतीत हो चुके थे। टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द प्लेस केम क्राउडिंग इन, और जो चमड़ा के काम करने वाले होते हैं वो गांव के अंत में रहते थे, वो आए। कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बेम्बू पोल, और महेश को एक बांस के लट्ठे में बांध के ले गए। सडनली एट द साइड ऑफ शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, और उनके हाथों में चमकीले चाकुओं को देखकर गफूर क्लोज्ड हिज आइज, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु वो कुछ नहीं बोला। नेवर इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसियों ने उसे बताया दैट लैंडलॉर्ड्स हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस, कि मालिक ने तारक रत्न को सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विच द क्लिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, गफूर इस बात का पश्चाताप, प्रायश्चित या पश्चाताप कैसे करेगा कि उसने एक पवित्र जानवर को मार दिया। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दिस रिमार्क्स, गफूर ने इन शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। बट रिमेंड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, परंतु वो अपने थोड़ी को अपने घुटनों पर रखकर बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, अमीना प्रिय चलो चलते हैं, सेड गफूर, गफूर ने कहा। राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ द नाइट, बिल्कुल मध्य रात में अपनी पुत्री को जगाते हुए, मतलब रात में वो जगा के अपनी पुत्री को कह रहा है कि अमीना प्रिय चलो। सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड, वो आंगन में ही सो गई थी। वेयर फादर, पिताजी कहाँ। सी आस्क्ड रबिंग हर आईज,
उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबड़ी, सेड द फादर, पिता ने कहा कि फुलबड़ी की जूट मिल में काम करने के लिए चलते हैं। द गर्ल लुकड एट हिम इनक्रेडुलसली, उस लड़की ने अपने पिता को गहराई से देखा। दो ऑल हिज माइजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो एट टू फुलबड़ी, अपनी पूरी गरीबी के दिनों में उसने फुलबड़ी जाने से मना किया था। नो रिलीजन, वहाँ कोई धर्म नहीं है। नो रेस्पेक्ट, वहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। नो प्राइवेसी फॉर वोमेन फॉक देयर, वहाँ पर महिलाओं के लिए कोई निजता नहीं है। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, उसने उसे कहते हुए सुना था, हरी अप माई चाइल्ड, मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी करो, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमारे पास जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। सर गफूर, गफूर ने कहा। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर ब्रास प्लेट, अमीना अपने अमीना ने कहा, अमीना क्या है कि वो जो ड्रिंकिंग बाउल है मतलब कटोरा और उसका जो पीतल की थाली है उसको इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। लीव देम अलोन डार्लिंग, ये उनको वहीं पे छोड़ दो, दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर माइस, वो माइस की प्रायश्चित में काम आएंगी, सेड कफूर, कफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ द नाइट कफूर सेट आउट, रात्रि के अंधकार में कफूर वहां से निकल पड़ा। होल्डिंग हिज डॉटर्स बाय हैंड, अपनी पुत्री का हाथ पकड़े हुए, ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द प्लेस, उस गांव में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, उसे किसी से कुछ कहना भी नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, अपने आंगन को पार करके, व्हेन ही रीच्ड द केसिया, जो है बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल, वह वहां चुपचाप खड़ा हो गया, बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और जोर से रोते हुए कहने लगा, अल्लाह, ही सेड, उसने कहा, अल्लाह, रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेगल्ड स्काई, उसने तारों से आच्छादित काले आकाश की ओर देखते हुए कहा, सिर उठाते हुए कहा, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, जितना चाहो मुझे दंड दे दो। महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लिए हुए मरा था। नोबडी लेफ्ट द टाइनीस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने उसे खाना खिलाने के लिए मुझे छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं दिया था। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट, उन लोगों को कभी क्षमा मत करना, हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने उसे कभी भी घास नहीं खाने दी, नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैड गिवन, और वो पानी नहीं पीने दिया जो तुमने दिया है, जो घास तुम्हारी है, जो पानी तुम्हारा है, उसको ना खाने दिया ना पीने दिया। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है, और कहानी अच्छी लगी लाइक जरूर करना, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा।